हाय फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में टेक फॉर सॉल्यूशंस में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या आपको ऑनलाइन सामान लेना चाहिए या नहीं, कि आपको ऑफलाइन मार्केट से सामान परचेज करना चाहिए। इन दोनों का मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा और बताऊंगा इनमें से कौन सा बेटर है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पर हम ले लेते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट और साइट में लेते हैं, ऑफलाइन मार्केट में हम ले लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऑनलाइन मार्केट में सामान सस्ता मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा जिससे मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो J7, उस पर मैंने ऑनलाइन जैसे प्राइस चेक किया था, उस पर था लगभग 10,700 कुछ था, अप्रोक्स इतना ही था। और जब मुझे लगा कि ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, और उसमें लिखा हुआ था 15,000 को माइनस करके उसमें लिखा हुआ था कि आपको 15,000, 5,000 आपको कम देने पड़ेंगे और आपको इतना मिल जाएगा, 5,000 या 4,000 जितने भी आप कह लीजिए, 5,000-4,000 आपको कम देने पड़ेंगे और आपको अच्छा फ़ोन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जब मैंने ऑफलाइन मार्केट से भी इतने का ही परचेज़ किया है 10,700 का, और मैंने चलो देख के परचेज़ किया है। ऑनलाइन में क्या पता मेरे को कौन सा फ़ोन दे दे। अभी जैसे गैजेट तो यूज़ ने एक वो उन्होंने जब कैमरा मंगवाया था पेटीएम से, तो उनको FND के स्पीकर मिले थे। आप उनके चैनल पे वीडियो देख सकते हैं अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, उनको FND के स्पीकर मिले थे। तो 40-45,000 का उन्होंने सामान मंगवाया, 200 रुपये के स्पीकर दे रहे हैं उनको। लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में आप देख के ला सकते हैं, मतलब अच्छी तरह देख के ला सकते हैं। लेकिन कुछ सामान ये भी होता है, जैसे मान लीजिए आप विलेज वगैरह पर रहते हैं तो आपको नहीं मिल सकता, तो आप ले सकते हैं, तो आपकी मजबूरी है। लेकिन आप हो सके तो आप मतलब ऑफलाइन ही ले। अब ऑनलाइन में एक और स्कैम क्या होता है, पहले मैंने आपको बता दिया रेट उतना नहीं होता जितने वो मार्केट उसमें लॉन्च करती है कंपनी, लेकिन उसमें उसका MRP को कैंसिल करके उतना लिखा होता है। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सेम ही मिलेगा, लगभग सारी चीज़ें सेम मिलेंगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आजकल, क्योंकि जीएसटी की वजह से ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा आजकल। और कभी कभार सेल हो सकती है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सेल, तो वो मैंने कह रहा सिंपल पे ज़्यादातर सेम ही देखने को आपको मिलेंगे। और अगला यहाँ पर होता है यूज़र को अट्रैक्ट करने से क्या होता है, मान लीजिए वो प्राइस कभी भी पूरा लिखते हैं 18,000-17,000 वो लिखते हैं, मान लीजिए कोई 18,000 की चीज़ है वो लिखते हैं 17,999। अब वो क्यों लिखते हैं, आप जब भी कोई चीज़ को देखते हैं तो आप उसके पहले डिजिट देखते हैं 17,000, मान लीजिए 17,999 लिखा हुआ तो आप 17,000 ही देखेंगे ज़्यादातर कह रहा हूँ मैं, ज़्यादातर तो देखेंगे 17,000 को देखेंगे कि 17,000 कुछ का है। तो उसमें यूज़र के मन में, मतलब यूज़र के मन को एक तरह से हैक कर लिया जाता है कि वो उसके अंदर अट्रैक्ट हो जाए मतलब उस चीज़ के ऊपर। लेकिन होता 18,000 रुपये है, और जब वो हमें डिलीवरी करने आता है तो हम उसे 1 रुपये वापस सुन लेते हैं ना, तो उसके 18,000 ही देंगे, 17,999 वो मांग रहा है, हम तो उसको 18,000 ही देंगे। क्योंकि आजकल तो कई लोग हिचकिचाते भी है कि 1 रुपये देने से, लेकिन आप उन सोचिए 1-1 रुपये करके उनका कितना पैसा बन जाता होगा, और उसका कोई बिल भी नहीं होता, वो सारी मनी कहाँ जाती है, ब्लैक मनी में जाती है सारी मनी। ऑफलाइन मार्केट में मैं बता दूँ, ऑफलाइन मार्केट में भी आप कई स्टोर पे मतलब शॉपिंग वगैरह जाएंगे बड़े स्टोर पे, तो वहाँ पर भी 17,000-18,000 की चीज़ें 17,999 लिखा होगा, अगर 19,000 की 18,999 लिखा होगा, तो आप वहाँ पर भी अपना 1 रुपये वापस लें नहीं, मतलब वो सारा ब्लैक मनी में चला जाता है। और अगर वो आपको टॉफ़ी वगैरह दे घटिया सी, जो 40 रुपये का पैकेट आ जाए पूरा, आप वो भी ना लें, 1-1 रुपये करके उनका जितना पैसा बन जाता है और वो सारा मन पैसा कहाँ जाता है, ब्लैक मनी, क्योंकि उनका कोई प्राइस नहीं होता, उनका कोई मतलब उनके पास कोई बिल नहीं होता। होता तो 17,000-18,000 की चीज़ है, 17,299 का बिल होगा, लेकिन उनके स्टोर में कितने लोग आते होंगे, मान लीजिए दिन के अगर 1,000 लोग आते हैं तो एक दिन का 1,000 फ्री का होता है, और 1,000 आपको साल का लगा लीजिए, तो अब सोच लीजिए कितना पैसा बन जाएगा उनका। और इन दोनों में से मतलब ना ऑफलाइन सही है ना ऑनलाइन सही है, लेकिन ऑफलाइन मैं एक चीज़ प्रेफर करूँगा कि आपको मतलब सामान देख के ला सकते हैं, उसमें आपको पता नहीं होता क्या आ जाए, और कई बार तो वो भी नहीं होता, मतलब रिफंड भी नहीं होता। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपको कोई सामान नकली मिल जाता है तो आप उसे 10 दिन के अंदर रिफंड कर दें, मैं कहूँ साथ के साथ ही कर दें, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट 10 दिन तक की होती है, ज़्यादा देर आप रखेंगे तो क्या पता वो रिटर्न ना भी हो पाए। तो ऑफलाइन मेरे हिसाब से सही है, पूरी सही नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू।